जब हमारा मन होता है किसी काम करने का, तो हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा होता है। मन करता है कि मैं ये करूं वो करूं, और शरीर कहता है नहीं भैया पड़े रहो, ऐसा कुछ ही मत करो। जनरली ये सुनने को भी मिलता है, यार मन कर रहा है लेकिन शरीर में अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या कारण है, क्यों हो रहा है ऐसा? जब इस पे थोड़ा सा देखा गया तो पता चला कि भाई, अब मान के चलिए हम इस प्रॉब्लम को लेकर के किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो क्या करेंगे, कुछ सिरप लिख देंगे, कुछ कैप्सूल लिख देंगे। बट जो मेजर है, ऐसा नहीं मैं नहीं कह रहा कि डॉक्टरों को नहीं पता है इस बात की, पता है, वो जानते हैं, लेकिन वो उसका सब्स्टिट्यूट देंगे जो मेडिकली है। मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ कि वो होता क्यों है, पहले तो ये समझ में आ जाए। और जब हमारी समझ में ये बात आ जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर हम उसके आगे की बात करेंगे कि वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं, कितना हमें चाहिए, क्या है ऐसी चीज़। तो कारण तो इसके बहुत हो सकते हैं, बट उसका एक मेन, लेकिन उसमें भी एक मेन कारण है, प्रोटीन्स मालफिकेशन। हमारे भोजन में एक चीज़ होती है जो हम रोज़ खाते हैं और हमारे शरीर के लिए डेली डेली, जब हम एथलीट्स नहीं हैं, कोई एक्स्ट्रा लेबर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हमारे उनको थोड़ी ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो जनरल पर्सन्स हैं उनके लिए प्रोटीन चाहिए। तो वो प्रोटीन क्या है पहले तो ये देख लेते हैं, फिर कितनी चाहिए ये देख लेंगे, फिर उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं अपने शरीर में, और कैसे हम डेली डेली उतनी प्रोटीन अपने शरीर को दे सकते हैं जिससे कि हम एक्टिव बने रहें, हमारी मसल्स बढ़िया बनी रहें। कभी कभी ऐसा होता है प्रोटीन की कमी की वजह से, हम खाते तो बहुत कुछ हैं लेकिन हमारे चेहरे की ग्लो चली जाती है, हमारी मसल्स बेकार हो जाती हैं। तो प्रोटीन का बहुत ज़रूरी रोल है हमारी बॉडी में। तो पहले ये देख लेते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। तो मित्रों, प्रोटीन जो है ये एक कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर के बना होता है। कार्बनिक, दो तरह के पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। तो ये कार्बनिक पदार्थ है, इसमें जो मिले होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कुछ प्रोटीन में इन तत्वों के अतिरिक्त आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित हो, गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये तो रहा हमारी प्रोटीन वाली बात कि प्रोटीन क्या होती है या क्या होता है। अब जो सेकंड पॉइंट आता है कि प्रोटीन किन किन चीज़ों में अच्छी मात्रा में मिलता है और कितना हमें लेना चाहिए, हमें डेली डेली किन किन चीज़ों में मिलता है वो भी हम आगे बात करते हैं, लेकिन डेली डेली हमें कितना प्रोटीन चाहिए पर डे उसकी बात करें तो हमें ये पॉइंट मिलता है कि प्रतिदिन नॉन एक्सरसाइज वालों के, जो जिम वगैरह नहीं करते हैं, जिम वगैरह नहीं करते हैं या कोई एक्स्ट्रा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनके लिए 0.8 ग्राम पर केजी डेली प्रोटीन चाहिए। अगर इससे कम प्रोटीन आपको मिल रही है तो आप सुस्ती महसूस करेंगे, डलनेस महसूस करेंगे, चेहरे की चमक आपकी गायब हो सकती है, आपकी मसल्स बनने में प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स अच्छी ना बन रही हो, बॉडी मतलब देखने में अच्छी ना लगे, मोटापा आप पे भारी हो सकता है अगर प्रोटीन मालफिकेशन आपके शरीर में चल रहा है। तो डेली डेली आपको 0.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए चाहिए। अब मान लीजिए आपके शरीर का जो वजन है वो मान लीजिए 60 किलो है, तो 60 को अगर 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो को दो पॉइंट से हटा दो, 8×7=56 प्रोटीन आपको डेली चाहिए, 56 ग्राम प्रोटीन डेली हर मनुष्य को चाहिए। अगर इतना प्रोटीन आप डेली डेली ले रहे हैं तो आपकी बॉडी आपके मन के साथ साथ है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन शाकाहारी खाद्य पदार्थ में कितना प्रोटीन किस में मिलता है वो देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे, नंबर वन, अगर मैं बात करूँ सोयाबीन की, तो सोयाबीन 100 ग्राम सोयाबीन में करीब 50 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन खाते हैं तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा।
दूसरा नंबर पनीर, अगर आप 100 ग्राम पनीर खाते हैं तो आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 100 ग्राम पनीर से। मूंग की दाल, तीसरे नंबर पे बात कर रहा हूँ मैं मूंग की दाल की, अगर आप 100 ग्राम मूंग की दाल खाते हैं तो तकरीबन 24 ग्राम प्रोटीन आपको वहाँ से मिल जाएगा। नंबर 4 बादाम, अगर आप बादाम खाते हैं 100 ग्राम पर डे तो आपको 21 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम बादाम से 21 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं हम काजू की, तो अगर आप 100 ग्राम काजू लेते हैं तो उसमें 553 ग्राम तो कैलोरी मिलेगी, 44 ग्राम फैट मिल जाएगा आपको उसमें, और 18 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो ये काजू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है बॉडी के लिए कि यहाँ पे हमें कैलोरी भी मिल जाती है यानी ऊर्जा भी मिल जाती है, फैट भी मिल जाती है जो वो भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। नंबर 6 पे बात करते हैं हम दूध की, तो अगर हम 1 लीटर दूध पीते हैं तो उस 1 लीटर दूध से 40 ग्राम प्रोटीन हमें प्राप्त होती है। अगर हम अंकुरित अनाज खाते हैं तो 1 कप अंकुरित अनाज से करीब 15 ग्राम प्रोटीन हमें मिलती है, 1 कप अंकुरित अनाज से तकरीबन 15 ग्राम प्रोटीन मिलती है। 100 ग्राम मूंगफली से 26 ग्राम प्रोटीन मिलती है, 100 ग्राम चने से 15 ग्राम प्रोटीन मिलती है, 100 ग्राम दही खाने पर 11 ग्राम प्रोटीन मिलती है, 1 कप ब्रोकली लेने पर 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 3 ग्राम प्रोटीन। ब्रोकली में विटामिन के, विटामिन सी और फाइबर भी होता है। दोस्तों इस तरह से पालक मक्का अमरूद कटहल किशमिश खुबानी आदि में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ये सब चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करके प्रोटीन को, पूरा प्रोटीन आप अपनी बॉडी को दे सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है जो मोटापे से संबंधित हैं, उसमें मैंने फलों की बात की है और भोजन को चबा के खाने की भी बात की है। वो जो भोजन है जिसे आप चबा के खा रहे हैं वहाँ आपको प्रोटीन का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी करना है।